एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे और चलते चलते उन्हें प्यास लगी तो वो दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए और खेत की हालात देखकर लगता था खेत का मालिक खेत पे जरा भी ध्यान नहीं देता है। उन्होंने देखा खेत में एक घर भी है। दोनों जाकर दरवाजा को खटखटाने लगे। घर में से एक आदमी, उसकी बीबी और दो बच्चे बाहर आते और सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु कहते हैं, क्या हमें पानी मिल सकता है? काफ़ी प्यास लगी हुई है। वो व्यक्ति उन्हें पानी लाकर देता है और फिर गुरु कहते हैं, आपका खेत इतना अच्छा है लेकिन इसमें कोई भी फसल क्यों नहीं बोई गई है? व्यक्ति कहता है, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है, जिसे बेचकर हम पीकर हमारा गुजारा हो जाता है, इसलिए बेवजह खेती क्यों करें? गुरु कहते हैं, क्या हम आज की रात यहाँ रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप रुक सकते हैं। आधी रात होते ही गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, उठो, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना है, लेकिन जाने से पहले हम इस व्यक्ति के भैंस को पहाड़ से गिरा के मार देंगे। शिष्य को काफ़ी बुरा लगा लेकिन वो अपने गुरु की बात टाल नहीं पाया। वे दोनों रातों रात भैंस को मार कर वहाँ से भाग जाते हैं। 10 साल बाद जब शिष्य सफल हो जाता है तब वो सोचता है, क्यों ना अपनी गलती को सुधारा जाए, उस आदमी के पास वापस जाकर उसकी मदद की जाए। शिष्य उसी गांव में उसी जगह पे जाता है और देखता है कि वहाँ पे सारे खेतों में दूर दूर तक काफ़ी फल लगे हुए हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा घर भी है। शिष्य को लगता है कि शायद वो आदमी सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया होगा। शिष्य वहाँ से वापस जाने लगता है, तभी वहाँ घर के आगे एक कार आकर रुकती है और कार में से वही इंसान बाहर आता है जिसे शिष्य 10 साल पहले मिला था। शिष्य उसके पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना? मैं 10 साल पहले आपसे मिला था। व्यक्ति कहता है कि हाँ, उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ। शिष्य कहते हैं कि आप तो बहुत गरीब थे, आखिर आप इतने अमीर कैसे बने? व्यक्ति कहता है, क्या बताऊँ, आपके जाने के बाद मेरी भैंस कहीं चली गई। मैं कुछ दिन काफ़ी दुख रहा, परेशान रहा, लेकिन जीवन चलाने के लिए कुछ तो करना ही था। मैं लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा और जिससे कुछ पैसे आए तो मैंने खेत की बुआई कर दी, और फिर उससे और पैसे आए तो मैंने सारी जगह खरीद ली और फलों की बुआई करवा दी, और आज मैं आसपास के एरिया में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ और मेरे पास करोड़ों रुपए हैं। अगर उस दिन भैंस की मौत नहीं हुई होती तो आज मैं इतना सफल नहीं हुआ होता। दोस्तों, इस कहानी से साफ पता चलता है कि जीवन में हर परेशानी आपके लिए एक बड़ा मौका लेकर आती है। अगर अभी आपके जीवन में परेशानी आई है तो यकीन मानो, एक बहुत बड़ी सफलता भी अपने साथ लेकर आई है। यकीन मानिए, बुरे वक्त में आपने हिम्मत नहीं हारी तो आने वाले समय में आप बेहद सफल होने वाले हैं। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। आपके लाइक शेयर से मुझे पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन खुशी जरूर मिलेगी। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।